तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वीपियन और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल वीपियन गार्डनिंग एंड टूरिज्म। दोस्तों आज का जो मेरा सफ़र है वो है बागड़ धाम गोगा मेड़ी। काफ़ी दिन से मैं आपको वहाँ के दर्शन नहीं करवा पाया क्योंकि पीछे घर पे कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो चालू था। तो अभी आगे रेगुलर आपको बागड़ धाम के दर्शन होते रहेंगे। और दोस्तों सुबह सुबह का समय है और आप राजस्थान में इन दिनों जो धुंध आई हुई है उसका दृश्य देख पा रहे हो। राजस्थान में जो ठंड है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है और रात में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। तो जो भी भक्त यहाँ बागड़ धाम आना चाहता है तो वो अपनी ठंड का जो इंतज़ाम है वो करके आए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं डायरेक्ट रेलवे स्टेशन। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं रेलवे स्टेशन और ठंड में दोस्तों कुल्फी जम गई। इतनी ज़्यादा बाइक पे जो ठंड है वो लग रही थी। और यहां रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ में भी कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो चालू है। और दोस्तों ट्रेन का जो टाइम है वही पुराना टाइम है, 6:35 पे यहाँ से चलने वाली है। दोस्तों हमारी जो ट्रेन है जो गोगामेड़ी जाएगी वो यहाँ लगी हुई है। आधा घंटा इसका यहाँ गंगानगर से जब आती है स्टॉपेज है और जो यहाँ का इंजन है वो चेंज होता है। चलिए ले चलता हूँ मैं आपको। और ठंड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। जब भी आप बागड़ धाम आएँ ठंड का इंतज़ाम अवश्य करके आएँ। चलिए मैं बैठ जाता हूँ फटाफट इस ट्रेन में। दोस्तों हमारी ट्रेन है वो हनुमानगढ़ से निकल चुकी है बागड़ धाम के लिए और लगभग 9:45 ये हनुमानगढ़ से सीधा गोगामेड़ी पहुंचने वाली है। चलिए रास्ते के टोटल व्यू दिखाते हुए मैं आपको सीधा ले चलता हूं बागड़ धाम। ये देखिए दोस्तों बाहर का दृश्य, खेतों में यहां अभी भी धुंध आई हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए हमारी जो ट्रेन है वो गोगामेड़ी पहुंच चुकी है। यहाँ जो रेलवे फाटक है दोस्तों वहाँ का दृश्य सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, और आज जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है, चारों तरफ फोग ही फोग नज़र आ रहा है। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रेलवे स्टेशन पर कितने भक्तों की भीड़ है उसका दृश्य दिखाने वाला हूं और सीधा आपको लेके जाऊंगा गुरु गोरखनाथ के धुने पे। वहां कितने भक्त पहुंच रहे हैं उसका दृश्य सबसे पहले इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों हमारी ट्रेन रुकने को है, यात्री है वो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं यहाँ। ये देखिए दोस्तों मैं ट्रेन से उतर चुका हूँ और भक्तों की जो भीड़ है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। दोस्तों मैं आ चुका हूं मुख्य रोड पे जो गोरख टीला मंदिर परिसर की ओर से जा रही है। ये देखिए दोस्तों यहां जो रोड है इसके कंस्ट्रक्शन का कार्य भी यहां स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी दिनों से मैं बागड़ धाम नहीं आया, यहां जो रोड है काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी उसका नया निर्माण अभी करवाया जा रहा है। ये देखिए कॉन्क्रीट वगैरह डाला गया है और भक्त काफ़ी आगे मुझे मंदिर की ओर नज़र आ रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको गोरख टीला मंदिर परिसर के अंदर का व्यू दिखाने वाला हूं और गोरख गंगा में अभी कितना पानी है उसका भी पूरा का पूरा व्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों जो भक्त यहां बागड़ धाम गोरख टीला मंदिर परिसर में दर्शन कर चुके हैं वो अभी गोगा जी समाधि स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। ये आप मुख्य रोड का दृश्य देख पा रहे हो। दोस्तों इन दिनों में राजस्थान में जो चुनाव है विधानसभा के वो चालू है और गोरख टीला के जो महंत है बाल योगी रूपनाथ जी जो वर्तमान में ग्राम पंचायत गोगामेड़ी के सरपंच है वो भी अभी चुनाव मैदान में है। आम आदमी की पार्टी से वो भादरा से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूँ गोरख टीला मंदिर परिसर के बिल्कुल सामने। भक्तों की जो भीड़ है वो आप सामने देख पा रहे हो। तो चलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूं मंदिर परिसर के अंदर। दोस्तों जहां तक मैं देख पा रहा हूं आगे जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी हमें रुकी हुई नज़र आ रही है और भक्तों की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए पहले बाहर का व्यू मैं आपको दिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको अंदर के लाइव दर्शन करवाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ का भव्य दरवाज़ा
और इसी के साथ मैं बढ़ रहा हूँ मंदिर परिसर के अंदर। ये देखिए दोस्तों, सामने जो काफ़ी गाड़ियाँ हैं वो रुकी हुई नज़र आ रही है, और यहाँ की जो दुकानें दोस्तों वहाँ भी काफ़ी ख़रीदार है वो नज़र आ रहे हैं, और गाड़ियों की जो लंबी लाइन है वो दोस्तों चलिए पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी भारी भीड़ गाड़ियों की और भक्तों की आज हमें यहाँ देखने को मिल रही है। ये आ चुका हूँ मैं सामने के प्रांगण में दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का चारों ओर का व्यू। और पीछे की साइड दोस्तों काफी भक्त हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों धुंध के कारण जो वीडियो है वो भी क्लियर नहीं आ रही, विजिबिलिटी काफी ज्यादा यहाँ डाउन है। ये देखिए बागड़धाम में जितने भी भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं वो सब के सब यहाँ सामने के प्रांगण में हवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी हवन की तैयारियाँ हैं वो स्टार्ट है, और ये मंदिर का भव्य नज़ारा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हो सीधा प्रसारण गोगा मेडी से वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म के साथ। चलिए पीछे की साइड ले चलता हूँ जहाँ गौर गंगा है, और इस साइड भी दोस्तों जो भक्तों की भीड़ है वो काफ़ी देखने को आज हमें यहाँ मिल रही है, और सबके सब दोस्तों ठंड के कारण यहाँ दुबके हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी भक्त बागड़ धाम आना चाहता है, राजस्थान में जो पारा है वो काफ़ी ज़्यादा लुढ़क चुका है, विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो ठंड को देखते हुए अपनी ठंड का इंतज़ाम है वो अवश्य करके आएँ। ये देखिए दोस्तों गौर गंगा का दृश्य है, गौर गंगा में भी पानी है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये देखिए जो स्नाना घाट है दोस्तों वो पूरे के पूरे पानी से लबालब है। चलिए नज़दीक से व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हालांकि अभी पानी है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, रुका हुआ है, चलता हुआ पानी हमेशा गर्म होता है, तो जो भक्त हैं वो खाली मुंह हाथ धो रहे हैं। ये आ चुका हूँ दोस्तों मैं गौर गंगा का दृश्य दिखा के बाहर। चलिए पीछे की साइड जो पार्क है, जो प्राचीन धुना है, उस साइड का भी व्यू आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको सीधा लेके जाने वाला हूँ निकासी गेट पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ जो भीड़ है भक्तों की वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, काफ़ी भक्त यहाँ हवन करते हुए दिखाई देते हैं, और जो प्राचीन धुना है उसके सामने बाबा के निशान के साथ यहाँ जो भक्त पहुँचे हुए हैं उनका दृश्य, और पीछे दर्शन करके जो वापस मंदिर से बाहर आ रहे हैं उन भक्तों की भी भीड़ अच्छी खासी आज हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और जो गौर गंगा है दोस्तों उसका व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी इसका जो पानी है जो मेले के टाइम भरा हुआ था वो पूरा का पूरा सूख चुका है। ये देखिए दोस्तों, आप मेरे पीछे का व्यू देख पा रहे हो, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, और ये बाबा रूपनाथ जी पार्क का व्यू आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों ठंड का इंतज़ाम अवश्य करके आएँ जो भी भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं भी यहाँ पतला सा कोट पहन के आया, मुझे भी यहाँ ठंड लग रही है। ये पीछे का दृश्य दोस्तों, निकासी गेट। ये दोस्तों नौलखा बाग है, उसके बाहर की दीवार पे काफ़ी खूबसूरत चित्रकारी यहाँ की गई है। चलिए वापस ले चलता हूँ आपको मैं बाहर की ओर, और ये नौलखा बाग दोस्तों जिसके अंदर, चलिए मैं आपको दृश्य दिखा देता हूँ, भक्तों की काफ़ी भीड़ हमें
सामने दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब मैं आपको यहाँ से सीधा गोगा जी समाधि स्थल लेके जाने वाला हूँ, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला। ये देखिए दोस्तों, जो प्राचीन पेड़ है और उसके नीचे भक्तों की भारी भीड़। चलिए दोस्तों, गौर गंगा का भी दृश्य आपको दिखा देता हूँ यहाँ से दोबारा, क्योंकि काफ़ी जो भक्त है वो नहाते हुए नज़र आ रहे हैं इस ठंडे पानी में। ये देखिए, पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है क्योंकि ये पानी अभी रुका हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे का व्यू दिखाते हुए आपको मैं सीधा गोगा जी समाधि स्थल ले चलता हूँ। और दोस्तों, इन दिनों में काफ़ी जो भीड़ है वो लगातार पहुँच रही है। दीपावली से पहले भी काफ़ी भक्तों की भीड़ लगातार यहाँ आ रही है, और अभी आप भक्तों की जो संख्या है आज जो बागड़ धाम पहुँची है उसका दृश्य आप देख पा रहे हो। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ जो सुरमा मिलता है काफ़ी काम की चीज़ है ये, क्योंकि दोस्तों मेरे नज़र का जो चश्मा लगा हुआ था वो इसी सुरमे से हट चुका है, इसकी जानकारी पहले भी मैंने आपको दी थी। चलिए मैं मंदिर के अंदर का व्यू दिखा देता हूँ एक बार, जो दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है उसका व्यू। ये देखिए दोस्तों, आगे कैमरा अलाउ नहीं है तो रूल है वो मैं नहीं तोड़ने वाला। ये बाहर के प्रांगण का दृश्य है। दोस्तों सामने से एक निशान यात्रा मुझे आते हुए नजर आ रही है, चलिए उसका व्यू मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, मुख्य दरवाजे के सामने जो बागड़ धाम निशान यात्रा पहुंची है। नाचते गाते हुए भक्त, तो दोस्तों ये थी ग्राउंड रिपोर्ट गोरख टीला मंदिर परिसर की। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ के मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ गोरख टीला से सीधा गोगा मेड़ी मंदिर की ओर। आप मेरे पीछे जो भक्तों की भीड़ है, जो गाड़ियाँ हैं वो देख पा रहे हो। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट गोरख टीला से सीधा गोगा मेड़ी मंदिर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आई है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार।